नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया है, तब से मानो दिल्ली से लेकर गली तक खलबली मच गई है। बीते दिनों एनसीबी की टीम ने एक जहाज पर रेड की थी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप ऐसा बताया गया है कि वहां से एनसीबी ने ड्रग्स को बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल चालू हो गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने कई सारे आरोप लगाए और आरोपों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे दस्तावेज दिए, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि ये सारी जो कार्रवाई है वो गलत तरीके से की गई है। न्यूज स्प्लैश की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो एक पत्रकार ने जो एनसीबी के साथ में गवाह थे भानुशाली, जिनको लेकर पूरे बवाल हो रहा है, उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए क्या कहा और अपनी सफाई किस तरीके से दी है। वहीं अभी भी गोसावी जो है वो पुलिस की फरार बताए जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ, आप कहाँ हैं और क्यों फरार हैं? सर, मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में, और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, मेरे एडवोकेट को भी बताया था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर, मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसके डिटेल्स है मेरे पास में। इट्स टोटली मीन्स मीडिया को लेके या इसका उसका नाम लेके फोन आ रहे थे। उसके बाद में डायरेक्ट हैम्परिंग हो रहा था कि क्यों किया है तुमने ऐसा वैसा ये वो सब। आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? सर, मैं नहीं पहचानता उनको, उनको टीवी में ही देखा था। जब भी हमको इन्फॉर्मेशन आई थी मनीष भानुशाली को, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तभी हम गए थे वहाँ पे। तो जो वीवी सिंह सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और वानखेड़े सर की मुलाकात बाद में हुई है। क्या पहले भी आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की किसी रेड में टीम का हिस्सा रहे हैं बतौर फिटनेस पंचनामा साइन किया है? नहीं नहीं, कोई पंचनामा साइन नहीं किया है। एक पंचनामा मैंने वो शिप पे साइन किया था, दो पंचनामे थे शायद, आई थिंक सो, और बाकी फिर एनसीबी ऑफिस में साइन किए। जो पंचनामा आपने साइन किया था आपने वो पढ़ा था, उस पर क्या लिखा था? जी जी जी, मुझे ये बताएं कि का भी काफी सारा मतलब उसकी हैंडराइटिंग में कुछ था लिखा हुआ। अच्छा, आर्यन खान का भी लिखा हुआ था उस पर कुछ, उनकी भी हैंडराइटिंग थी? नहीं, उनका हैंडराइटिंग का पता नहीं, लेकिन वो जो पेपर था उसमें 10 लोगों के नाम थे, उस पे साइन किया था। जब आपको ले जाया गया था, क्या आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, उनके कार्यालय में मुंबई में, क्या आपने भी आर्यन खान के साथ बातचीत की थी? आपकी फोटोज आई हैं उनके साथ बाहर। जी, बातचीत तभी नहीं हुई थी, ये आर्यन खान ने मुझे बोला था कि मुझे मेरे एटलीस्ट घर पे तो कोई फोन नहीं उठाएंगे, मेरे मैनेजर को फोन किया जाए, और उन्होंने नंबर दिया था लेकिन वो नंबर लगा नहीं। उसके बाद में फिर वो सैम करके मुझे फोन आया था, उसने बोला कि मेरे पास वो नंबर दो, मैं उनको फोन करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे भी एनसीबी का कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, सैम जो है, सैम ने मुझे एक ऑफिसर के मतलब थ्रू बोला था कि आप वहां से जा सकते हो करके। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भीतर अगर किसी को रखा गया है हिरासत में, अगर पकड़ा गया है, आपको उनके पास जाने की अनुमति कैसे मिली? आप फोन अपना अंदर कैसे ले गए और उनसे बात करने की अनुमति आपको किसने दी? सर, मुझे वो बारे में मालूमात नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, उसी में वो भी बैठा था, सो ही जस्ट रिक्वेस्टेड मी टू कॉल टू माय पेरेंट्स और हिज मैनेजर। ओके, तो आपने किसको फोन किया था घर पे? घर वालों का नंबर नहीं दिया था उन्होंने, वो जो पूजा है उनका नंबर दिया था। पूजा से बात हुई थी आपकी? और नहीं, मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने फोन वगैरह उठाया नहीं था। आप प्रभाकर को जानते हैं? जी, मेरे पास काम करता था वो बंदा पहले। उन्हीं प्रभाकर ने हलफनामा देकर कहा है कि इसमें दरअसल पैसों की बातचीत हो रही थी, छोड़ने के लिए कई लाख रुपयों की बात भी थी और आपने पैसे भी लिए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाकर ये इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं? मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगभग 10 या 11 तारीख से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और उसने मेरे से मतलब इनडायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फिर पंचनामे पे जो साइन किया है उसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगा। मैं बोला जो बोलना है वो बोलो, बाकी चीजें कोर्ट में देखी जाएगी।
दरअसल इस पूरी जांच को लेकर के आपका मिस्टीरियस तरीके से सामने आना, फिर आप रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मुंबई पुलिस और सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि आपके ऊपर पहले भी फ्रॉड के कई पुराने मुकदमे में हैं, तो दरअसल आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई इस केस में। सही है सर, मेरे पे एक केस था जो पुणे का था, उसके बाद में अचानक से उसमें सर्च वारंट निकाला गया, अचानक से इस केस के बाद में अचानक से उसमें लुकआउट नोटिस निकाली गई। एक्चुअली वो केस ना मीडिया ने मतलब थ्रू आउट किया है, ना जिन्होंने करने को बोला है उन्होंने किया है। केस में लिटरली सामने वाला बोल रहा है कि उसको भेजा गया था, उसको मैंने काम के लिए भेजा था, वहां पे उसके कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए, उसकी वजह से वो बंदा खुद अपने आप से रिटर्न आया है। तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं सर? मुझे ऐसे ऐसे जगह से फोन आया है कि तुझे जेल में भी मार डालेंगे करके, मैं कौन से हिसाब से सामने हूँ? आप मेरी जगह पर, आप बताओ। आप बता सकते हैं किसकी ओर से फोन आया था, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? सर मेरे पास में नंबर्स है, मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स, टोटल नंबर्स मुंबई के ही है जो भी आए थे। मुंबई से आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। तो अगर इस मामले में पुलिस जांच शुरू होती है, किसी तरह की जांच शुरू होती है, तो क्या आप सामने आएंगे, जांच का हिस्सा जरूर बनेंगे? सर जरूर।